ओके सो गाइस चलते हैं। व्हाट इफ आई बिकम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर? ध्रुव राठी सर का, ध्रुव राठी भाई का एकदम एक नया वीडियो 1 घंटा पहले अपलोड हुआ है। स्पीड बढ़ा दिया हूँ, अभी देखते हैं। चलो, मैंने अपने बहुत से वीडियोस, बट मुझे लगता है मैं ये अभी तक नहीं देखा हूँ, अभी अभी स्टार्ट किया। रही है, मुझे लगता है इधर ही विल स्पीक अबाउट, मतलब क्या क्या किया जा सकता है, बस इतना तक ही वो बोलेंगे, ना कि नायक की तरह कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस क्या क्या प्रॉब्लम है एंड उसको सॉल्व कैसे करने का प्लान करेंगे, ऐसा ही कुछ बोलेंगे शायद अभी। चलो देखते हैं। उसने अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करी है। जहां जहां मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है, वहां वहां सवाल उठाया है। लेकिन एक सवाल तो ये भी बनता है कि अगर मैं सरकार की जगह होता तो मैं क्या करता। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है। क्योंकि सपने पूरे होने के लिए हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। मैं ध्रुव राठी सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा जो मैं बोला, पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन देंगे, ऐसा कुछ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और वैसे इधर जो जो देख रहे हो, कोई चाहते हो कि ध्रुव राठी सर या भाई बोलो, कभी भी वो बने, ठीक है, कभी भी कभी भी हमारे प्रधानमंत्री बने, कोई चाहते हो? इधर दिखा रहा एजिटेटेड, मतलब हिटेड, और इधर इंग्लिश में दिखा रहा है अपसेट। व्हाट इज दिस? व्हाट इफ क्या है ये? ओरिड और एंग्री, एजिटेटेड मतलब ये दिखा रहा है, वही मैं सोच रहा था। एजिटेटेड मतलब ऐसा क्यों दिखा रहा है? एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, उत्तेजित होना, मतलब पावर अप, के अनुसार पावर अप। न्याय करूंगा, न्याय करूंगा, न्याय करूंगा। जब हम देश को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्वर्गादपि प्रॉस्पेरिटी। जब गरीयसी, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, इंग्लिश में हमेशा कहा जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रॉस्पेरिटी बिना पीस के नहीं मिल सकती। पीस यानी शांति और सेफ्टी, ये किसी भी देश की नींव की तरह है। इसके कई सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के खिलाफ जंग पर जाए या हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस फाइट बैक करें और हमारी सेफ्टी इंश्योर करें। दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी। साल 2001 में हमने देखा पार्लियामेंट पर टेरर अटैक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2015 में गुरदासपुर आतंकवादी हमला, 2019 में पुलवामा हमला, 2023 में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस टेरर अटैक, और हाल ही में हमने देखा रियासी आतंकवादी हमला जहां पर 9 लोगों ने अपनी जान खोई। इन्हीं पिछले कुछ दिनों में डोडा और कठुआ में भी आतंकवादी हमले देखे। ये तो दिन श्योर, ये तो डॉलर आने वाला है। देखने को मिले जहां पर इतने ही लोगों ने अपनी जान खोई। पिछले साल अगस्त के महीने में होम मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट रिलीज करी थी। आई गॉट अ क्वेश्चन। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। सालों में 761 आतंकवादी हमले देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से 174 लोग मारे गए। हमें इन सभी तरीकों के आतंकवाद से सेफ्टी चाहिए। तीसरा है दंगे, धर्म के नाम पर या एथनिसिटी के नाम पर क्लैशेस। जैसे कि 2020 में सर बताया कि 2017 और 2021 के बीच में 2900 से ज्यादा कम्युनल और माय गॉड, इतने सारे। बताया 219 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा FIRs रजिस्टर कराई जा चुकी हैं और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्या क्या चल रहा है यहाँ पीछे? चाहिए रिलीजियस राइट्स और एथनिक क्लैशेस। चौथा है लिंचिंग्स, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम पर। हमें कासगंज वायलेंस देखने को मिला जहाँ चंदन गुप्ता को मारा गया, हमें लिंचिंग्स देखने को मिली। लिंचिंग मतलब पहले एक बार सर्च किया था मैं, लिंचिंग। ठीक है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। पहलू खान, तबरेज अंसारी और अखलाक की। इन कॉम्युनल लिंचिंग्स के अलावा कई ऐसी भी लिंचिंग्स हुई जहां पर व्हाट्सएप पर अफवाह फैलती है कि कोई चाइल्ड किडनैपर है तो कोई ऑर्गन हार्वेस्टर है, और इस बेसिस पर लोगों को मारा गया एक भीड़ के द्वारा। चाहे पालघर लिंचिंग हो जहां पर 2 साधु और उनके ड्राइवर्स को मारा गया, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम की लिंचिंग कर्नाटका में। हमें सेफ्टी चाहिए लिंचिंग से। पांचवा है क्राइम। क्या आप जानते हैं NCERB डेटा के अनुसार साल 2022 में 28,522 मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए थे पूरे देश भर में। इसका मतलब है ऑन एवरेज हर दिन 78 मर्डर केसेस। लेकिन मर्डर इकलौता क्राइम नहीं है, हमें
हिट एंड रन और रोड रेज के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुणे पोर्शे का केस, एक ओवर स्पीडिंग गाड़ी ने दो, ये तो आज वो हो गया, ये तो आज जो बच्चा है वो मतलब मिल गया, टोटली फ्री हो गया कि बच्चा है, सो बच्चा तो बच्चा ही है ऐसा करके मिल गया या फ्री हो गया। इस जनवरी की रिपोर्ट को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 67,380 डेक्कन हेरल्ड की इस जनवरी की रिपोर्ट को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 67,380 7 हिट एंड रन केसेस देखे गए इंडिया में, इनमें से 30,486 केसेस में लोगों की मौत हुई। सोचकर देखो, हर साल करीब 30,000 लोग लोगों को कुचल दिया। डेक्कन हेरल्ड की मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए थे पूरे देश भर में, इसका मतलब है ऑन एवरेज हर दिन 78 मर्डर केसेस। लेकिन मर्डर इकलौता क्राइम नहीं है, हमें हिट एंड रन और रोड रेज के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुणे पोर्शे का केस। ये जो केस है ये तो सॉल्यूशन हुआ, इसमें मैं क्या चाहता हूं बताता हूं। गाड़ी ने दो लोगों को कुचल दिया, डेक्कन हेरल्ड की इसमें तो ये लोग बच्चा था, बट मैं क्या चाहता हूं बता देता हूं। मैं चाहता था कि ये लोगों का भरपाई तो करे, जरूर भरपाई तो जरूर करे, इंश्योरेंस की तरह वो तो जरूर करना है भाई, पोर्से चला रहा है तो भरपाई तो करना चाहिए, ठीक है पोर्से है, ठीक है वो तो करना ही चाहिए था, जैसे ज्ञान भाई का हुआ तो इतना सा जस्टिस तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि ये लोगों का एक आदमी जाना, मतलब बहुत सालों का, एक फैमिली के लिए बहुत सालों का, पता है जिस जिसके घर में हुआ है पता है कि वो मेकअप देने के लिए बहुत साल लग जाता है एक एक आदमी का जाना, ठीक है। सो ये लोगों का मिनिमम कुछ साल तो बिताना चाहिए था उधर अंदर, ठीक है, ये मेरे हिसाब से, मतलब मुझे लगता है मेरी रिपोर्ट को देखिए, जितना भी बच्चा हो मुझे लगता है, बाकी न्यायपालिका जो बोला है छोड़ दिया है, शायद वही सही है, बाकी मेरे साथ कोई सहमत हो तो बताना, शायद सॉरी भी मिलना चाहिए, माफ़ी भी मिलना चाहिए, बट एक जान जब जाता है ना, जिस जिसके घर में हुआ है पता है, आई थिंक सभी के घर में होता होगा, हाँ सभी के घर में हुआ है। लॉर्ड बुद्धा जी ने एक स्टोरी है ना कि लाओ उधर से चाल चाल लाओ, चाल या डाल, चाल डाल ऐसा कुछ लाओ, जहाँ पर कोई किसी का डेथ नहीं हुआ है, सो नहीं मिला था कोई, ठीक है कोई घर नहीं मिला था उनको, तब वो माँ समझ गए थे कि नहीं बचेंगा, ठीक है ऐसा सभी घर में डेथ है, बट पर्सनली मुझे लग रहा था कि एक तो होना चाहिए, बट देख रहे हो कितने केसेस है, कितने सारे हिट एंड रन का केसेस। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार 67,387 हिट एंड रन केसेस देखे गए इंडिया में, इनमें से 30,486 केसेस में लोगों की मौत हुई। सोचकर देखो, हर साल करीब 30,000 लोग मारे जा रहे हैं देश भर में सिर्फ गाड़ियों की वजह से, सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से। छठा है एक्सीडेंट्स, और भी अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं इसके अलावा। कुछ हफ्ते पहले की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की हेडलाइन देखो, ना जांच ना ऑडिट, देश की बड़ी इमारतों में 2.5 साल में 1,177 जाने गए। 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को भी देखो, इंडिया में हर दिन कम से कम 2 लोग मरते हैं ओपन पिट्स और मैनहोल्स की वजह से। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2015 और 2020 के बीच, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, में 5,393 लोगों ने अपनी जान खोई गड्ढों में गिरकर। फिर है रेलवे एक्सीडेंट्स, कहीं पर ट्रेनों की डीरेलमेंट हो जाती है तो कहीं पर टकराव होता है। पिछले ये तो रिसेंटली हुआ है, आई थिंक कांचनजंगा एक्सप्रेस साल हमने देखा सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट, कोरोमंडल 300 लोगों की जान गई। डेटा के अनुसार पिछले 60 सालों में नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स धीरे धीरे कम होते गए हैं, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से इंप्रूव हुई है उस हिसाब से तो आज के दिन ऑलमोस्ट 0 रेलवे एक्सीडेंट देखने को मिलने चाहिए थे हमें। और ट्रेनों का एक्सीडेंट्स तो छोड़ो, जानते हो कितने लोग अपनी जान खोते हैं हर साल रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए। जनवरी 2024 में गवर्नमेंट रेलवे I manifested the superstar. What? टोटल 2,590 लोगों ने अपनी जान खोई मुंबई सब अर्बन रेलवे ट्रैक्स में सिर्फ साल 2023 में। यानी कि सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो ऑन एवरेज हर दिन 7 लोग मारे जा रहे हैं ट्रेनों से नीचे गिर के या रेलवे क्रॉसिंग करते हुए। कभी सड़क, what the heck man, क्या सब डाटा,
पर चलते चलते लोग गड्ढों में गिरकर मर जाते हैं, तो कभी कोई गाड़ी आकर उन्हें कुचल जाती है, तो कभी रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते वक्त लोगों की जाने चली जाती हैं, तो कभी कोई ब्रिज टूट कर नीचे गिर जाता है। 2022 में हमने गुजरात में मोरबी ब्रिज को जाने चली जाती है, तो कभी कोई ब्रिज टूट कर नीचे गिर जाता है। 2022 ये पीछे का एनिमेशन मैं देख रहा था, वो देखो रिवर्स हुआ, टूट कर नीचे गिर जाता है। 2022 में हमने गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स देखा, जहां पर 135 लोगों ने अपनी जान खोई। कहीं पर इलीगली लगाई हुई होर्डिंग नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से लोग मरते हैं, जैसे कि मुंबई में हमने देखा जहां 16 लोगों की मौत हुई। इस होर्डिंग के डायमेंशन 120x120 फीट थे, जो कि परमिसेबल डायमेंशन 40x40 फीट से कहीं ज्यादा था। और कहीं पर तो खराब दवाइयों की वजह से ही उनकी मौत हो गई। 12 बच्चों की मौत, 16 लोगों की मौत हुई। इस होर्डिंग के डायमेंशन 120x120। सोच कर देखो दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत आखिर इतनी सस्ती क्यों है? मैं अगर प्रधानमंत्री हूं तो मैं इस धारणा को बदलूंगा। किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी की मेरी, यानी भारत के प्रधानमंत्री की। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन आज 2024 में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वही कॉलोनियलिज्म, वही फ्यूडलिज्म भरा हुआ है। इन लोग फ्यूडलिज्म क्या है? अच्छा, सामंतवाद। ओके, सामंत प्रथा। ओके, लिए बात हजम करनी बड़ी मुश्किल है कि एक आम मजदूर की सामंतवाद मतलब क्या है पता है? मतलब दोनों के बीच में मिडिल मैन हो जाना, ठीक है? जैसे कि कुछ भी चीजों का एजेंसी होता है ना, वो चीज होता है सामंतवाद, समझ जाओ, ठीक है? जैसे कि राजा राजा के साथ, सोचो कि अंदर कोई भी राजा के साथ, तभी का चासी का बात था, चासी मतलब फार्मर्स का बात था, कनेक्शन बना रहा है, वो सामंतवाद, सामंत प्रथा आ गया था, ठीक है? तो वो लोग बहुत बदमाशी करता था, बहुत ज़्यादा टैक्स देता था, बहुत ज़्यादा कम पैसा देता था इधर, मारता बहुत, ठीक है? किंग के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा खाता था, और किंग को भी पता होता था। एक गरीब मजदूर की जान की वही कीमत कैसे हो सकती है जो भारत के प्रधानमंत्री या किसी बड़े अरबपति सेठ की जान की कीमत है? लेकिन जरा सोच कर देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े अरबपति सेठ हो या कोई गरीब मजदूर या एक मिडिल क्लास, अपने परिवार के लिए तो हर कोई उतना ही खास होता है ना। और संविधान वही ये मैं बोल रहा था, ठीक है? कि कब अगर किसी का वो होता है ना, तो वो घर वालों को ही पता है। अगर तुम लोग के घर में जब होगा, तुम लोग को पता हो जाएगा कि घर वालों को ही पता है कि कितना एक बंदे का जाना कितना वो होता है। मतलब उसको मेकअप देना, एक बंदा वर्किंग, बंदा वर्किंग हो या कोई भी हो, ठीक है? वो जब वर्किंग हो तो ज़्यादा इशू होता है, कमाने वाला या मेन जिसका अर्निंग सोर्स है, सो बहुत दिक्कत होता है। आई नो दिस प्रैक्टिकली। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, जिसके मुताबिक कानून की नजरों में हर कोई बराबर है। और सेकेंडली, देश में रहने वाले हर एक इंसान को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं इंश्योर करूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते कि इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी हर किसी के लिए हो, क्योंकि जान है तो जहां है। आप पूछोगे लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है, अभी तक तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही गिनाए जा रहा हूँ। मैं पहले ही बोला हूँ ना, प्रॉब्लम बोलेंगे सोल्यूशन देंगे, वही चलो दोस्तों की सोल्यूशन की पहली स्टेप यही है। सभी के पास जाना चाहिए वीडियो, सभी को देखना चाहिए ये वीडियो, ठीक है? क्योंकि ध्रुव राठी भाई ना भी बने, हम में से ही कोई प्रधानमंत्री बनेंगे एक ना एक दिन, ठीक है? सो उसके दिमाग में होना चाहिए ये सब। प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या करता है, देखता है कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है आपकी, प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेता है वो। क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता होगी, तब तक दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। 99% केसेस में अगर आप कोई भी दवाई दे दोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यही चीज आपकी जिंदगी के लिए भी एप्लीकेबल है। जो भी चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, उन्हें ओवरकम करने के लिए सबसे पहली स्टेप है उन्हें आइडेंटिफाई करो, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या रूट कॉज है। उसी के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन यहाँ पर काम करेगा। जैसे कि अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान ना लगा पाना, दिन भर बैठकर बस फोन पर स्क्रॉल करते रहना, स्ट्रेस्ड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, इन सब चीजों की रूट कॉज हो सकती है खराब टाइम मैनेजमेंट। इन प्रॉब्लम से मैं भी सफर करता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया इनसे डील करने का, एक ऐसा सिस्टम जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कोर्स में। यही सिस्टम वो राज है जिसकी वजह से बस फोन पर स्क्रॉल करते रहना, स्ट्रेस्ड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, इन सब चीजों की रूट कॉज हो सकती है खराब टाइम मैनेजमेंट। इन प्रॉब्लम से मैं भी सफर करता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया इनसे डील करने का, एक ऐसा सिस्टम जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कोर्स में। यही सिस्टम वो राज है जिसकी वजह से मैं पिछले कई सालों से इस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया, रेगुलरली हफ्ते भर हफ्ते उसी एफिशिएंसी के साथ ये वीडियोस बनाते रहना, चाहे मैं घर में हूं या दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूं। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ अपने हैप्पीनेस लेवल्स को भी मैक्सिमाइज करना, ये चीज मैंने डिटेल में समझाई है इस कोर्स में, दिए गए असाइनमेंट्स को। बट एक बात बोलूंगा, पैसा है तो क्या कुछ ना होता है, वो राजपाल सर का बात है ना,
पैसा हो तो क्या कुछ ना होता है। तो ध्रुव राठी भाई आप उस लेवल पे पहुंच गए हो, बट मुझे पता है मेरा टाइम मैनेजमेंट सही मैं कर नहीं पाता हूँ। ओके रीजन्स भी देखता हूँ बट सही तो कर नहीं पाता हूँ, हर दिन चेंज होता रहता है मेरा। रिव्यूज में देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपनी जिंदगी में। अगर आप वाओ में से हो जो अपनी जिंदगी में सोशल लाइफ हॉबीज और हेल्थ के लिए समय नहीं, इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करने की खबरी देना चाहूंगा। अगस्त 2024 में इस कोर्स का हिंदी वर्जन कंप्लीटली फ्री होगा। ध्रुव राठी एकेडमी पर आप इसे फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे अगस्त के महीने के बाद से, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बढ़िया ध्रुव राठी एकेडमी पर आप इसे फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे अगस्त के महीने के बाद से, बढ़िया चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरा स्टेप आता है इसके बाद प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, और तीसरा स्टेप फिर आता है एक्शन लेना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सही एक्शन लेना, सही दवाई देना। ज्यादातर केसेस में ज्यादातर पॉलिटिशियंस इन पहली दो स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। वो अपने भाषण देते हैं हवा हवा में कि बच्चे देश का भविष्य है, नारी शक्ति का सम्मान, जनता जनार्दन है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को कभी डायग्नोस नहीं करेंगे, कभी उसकी बात नहीं करेंगे और कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन टाइम नहीं मिलता होगा या पैसा ज्यादा मिल जाता है तो क्यों ध्यान दे, ऐसा भी हो सकता है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं जब खुद पॉलिटिक्स में घुसूंगा, घुसूंगा जरूर, तब मुझे पर्सनली पता चलेगा क्यों क्यों लोग बोलते हैं बस, क्यों डायग्नोसिस क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है क्यों नहीं करते हैं इसके, मतलब ये रीजन मुझे जानना है। मुझे एग्रीकल्चर में स्पोर्ट्स में कुछ करना है, क्यों नहीं होता है, लोग क्यों मतलब अनपढ़ गवार की तरह क्यों बोलते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। देखो मैं अभी 11th 12th का मैथमेटिक्स दे दिया जाए तो आई होप कि मैं अभी उतना परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा जितना 11th 12th में करता था, ठीक है ठीक है। बट हाँ अगर मैं टाइम दूंगा कुछ दिन 1 महीना तो आई विल बी बैक इन फॉर्म, ठीक है। सो उतना टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी होता है क्या पता नहीं। तो वो पॉलिटिक्स में घुस के ही मैं प्रैक्टिकली देखो मैं कुछ जज नहीं करूँगा, मैं एक ही मानता हूँ, यू कांट बी ए जज ऑफ व्हाट यू हैव नॉट रियलाइज्ड प्रैक्टिकली। तुम किसी का जज नहीं बन सकते अगर तुम प्रैक्टिकली नहीं करे हो, ठीक है वो चीज़ को। तो जब तक मैं खुद ना पॉलिटिशियन बनूँ, उधर 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 जाके मीटिंग मीटिंग अटेंड ना कर रहा हूँ तो मैं इसके बारे में बोलूँगा नहीं, ठीक है। बट हाँ डायग्नोसिस नहीं हो रहा है ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। और मैं चाहता हूँ एक टाइम पे, हाँ सभी लोग लिटरेटेड ही होता है अभी, तो मैं बस यही चाहता हूँ जो सर बोल रहा है कि हाँ डायग्नोसिस होना चाहिए, यही चाहता हूँ मैं, ये सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ कि जो जिस का मिनिस्टर है वो मिनिमम उसका नॉलेज रखता हो एंड उसका वो डेली डेली डायग्नोसिस करे, दैट्स इट, सरकार में बैठे बहुत से डेली पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम डेली को डायग्नोसिस। कारपेट के नीचे सरकाना जानते हैं कि कहीं हमारी स्टेट का क्राइम रेट ज्यादा ना दिख जाए, इसलिए कुछ केसेस में एफआईआर ही मत लिखो। 2018 की इस न्यूज को देखिए, शाहजहांपुर में 28 साल की एक औरत ने अपने ऊपर आग लगा दी। उसके हस्बैंड ने एलेज किया कि विनय कुमार नाम के एक आदमी ने उसका रेप किया था और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, उसकी वजह से उसने आत्महत्या करी। 2019 की इस न्यूज को देखिए, जब पुलिस वालों ने गैंग व्हाट किया था, उसकी विनय कुमार नाम के एक आदमी ने उसका रेप किया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया छी मैन आत्महत्या करी। 2019 की इस न्यूज़ को देखिए, जब पुलिस वालों ने गैंगरेप पर एफआईआर करने से मना कर दिया तो लड़की ने आत्महत्या कर ली यूपी के बदाऊं में। पिछले साल 2023 की न्यूज़, रामपुर में 32 साल की विडो ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली जब पुलिस ने उसकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया। कुछ नेता तो इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने किसी क्राइम की खबर को एक्सपोज कर दिया तो उस जर्नलिस्ट को उठाकर ही जेल में डाल दो। पिछले एक वीडियो में मैंने बात करी थी अंकिता भंडारी के oh, man. पुलिस ने हिंदी न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड के एडिटर आशुतोष नेगी को ही जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो बड़े करीबी से इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों की वजह से नेशनल क्या बात क्योंकि वो बड़े करीबी से इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे इन्हीं सब चीजों की वजह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि एक सरकार What exactly is the sandbox then? It's a 3D Oi, 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 oi. हाँ हमें बताता है बार बार ओवर द ईयर्स की
औरतों के खिलाफ जो क्राइम है वो एक बहुत बड़े स्केल पर अंडर रिपोर्टेड है कई सारी स्टेट्स में। पुलिस FIR ही नहीं दर्ज करती। जो लोग इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पेसिमिस्टिक कहा जाता है, कभी एंटी नेशनल, कभी फॉरेन फंडेड कहा जाता है, और ये सारी टॉक्सिसिटी ऊपर से होती है। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं लोगों को कहूंगा स्पीक अप, अपनी आवाज उठाओ। मैं मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ, रिपोर्ट करो इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्राइम के इंसिडेंट्स, टेररिज्म के इंसिडेंट्स। कम्युनल राइट्स, एथनिक क्लैशेस, लिंचिंग्स, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे आकर मर रहे हैं, तो कभी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीजों पर रिपोर्ट करो और डरो मत। है कि नहीं गाइस, तुम लोगों को कब से सुनाई नहीं दे रहा पता नहीं, बट मैं बोल रहा था कि मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही है कि जब स्टेप लिया जाएगा तब लोग डरेंगे कि हाँ स्टेप लिया जाएगा तो ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं कर पाएंगे। और बोल रहा था कि धूपराठी सर के साथ मेरा मेंटेलिटी ऐसे ही डायग्नोसिस वाला, जो मैं लिटरेट वाला पार्ट बोल रहा था कि लिटरेट वाला बंदा होगा एंड वो लोग खुद का मिनिस्ट्री उसका डायग्नोसिस करेगा खुद। हमें बताता है बार बार ओवर द इयर्स की मिनिमम 5 इयर्स बहुत सही से काम करेंगे। के खिलाफ जो क्राइम है वो एक बहुत बड़े स्केल धमकाए से हो, मीडिया को कहूंगा अपनी आवाज उठाओ। हाँ ये मतलब पूरे सही होगा। रिपोर्ट करो इन सारे सेफ्टी इश्यूज पर जो देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्राइम के इंसिडेंट्स, टेररिज्म के इंसिडेंट्स, कम्युनल राइट्स, एथनिक क्लैशेस, लिंचिंग्स, ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे आकर मर रहे हैं, तो कभी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीजों पर रिपोर्ट करो और डरो मत, क्योंकि मैं आपको बचाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहली स्टेप है इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है या देश को नहीं चाहिए तो भी खड़ा रहे, मीडिया चाहिए, भागने वाली बात मत करो भाई, भागते हो तो मुझे पहले मदद करूंगा, बचाऊंगा, जानते लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि कंप्लेन करने वाला SP के ऑफिस में जा पाए और वहां पर FIR दर्ज करा पाए। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई जाए कि उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर ने क्यों नहीं करी FIR रजिस्टर। ऐसा लगा ये सिंपल सा सोल्यूशन, सुनने में इम्प्रैक्टिकल लग रहा है कि आपको इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली में किया जा चुका है हमारे देश में। राज्य सरकार ने 2019 में ये डिसीजन लिया था। अगर ऊपर बैठे लीडर की नियत साफ हो तो बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने की बात करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस दो कैटेगरीज के होते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस, यानी कि हम ऐसे कदम उठाएं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे, प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक दे। दूसरी कैटेगरी होती है प्यूनिटिव सॉल्यूशंस की, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खिलाफ फाइट किया जाए और प्रॉब्लम करने वाले को पनिश किया जाए ताकि बाकी और लोग इनकरेज ना हो दोबारा से वो गलत काम करने के। मैं जो सोच के रखा हूँ वो है पिनिटिव सॉल्यूशन तो दिया जाएगा ही, बट धीरे धीरे सब कुछ में प्रिवेंटिव सॉल्यूशन बहुत ही जल्द अप्लाई करना है। प्रिवेंटिव सॉल्यूशन मतलब वो करना ही है, वो मस्ट है, ताकि रूट कॉज में ही बंद हो जाए। जैसे कि अगर कोई हाईवे में प्रॉब्लम है ना उधर, जैसे गुजरात में हो रहा है अभी कुछ कुछ बड़े बड़े सिटी में, उधर वो ट्रैफिक में जहाँ पर जैम वैम होता है उधर उधर कैमरा लगाया जा रहा है, वो अगर पूरे हाईवे में हो जाए तो सब कुछ पकड़ा जाएगा। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है बट सब कुछ पकड़ा जाएगा। हाईवे में किसी के साथ बदतमीजी नहीं होगा, लोग ये सब होगा। एग्जांपल से समझाऊं, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रिवेंटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है,
एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होना, हमारे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बनाना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स, यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने ताकि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो हमारे देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीजों की जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वो उन्हें दी जाए, बंदूक, मशीन गन, राइफल, एम्युनेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्टिव हेडगियर, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, नेवल शिप्स। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आउटसोर्स हो और अपने देश में चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए। साथ ही साथ डिफेंस रिसर्च में खर्च किया जाने वाला पैसा बढ़ाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट। ये आने वाला जो सीन है इसमें जो बोला जा रहा है अभी के हिसाब से, बट एक्चुअली मैं ना इंटरनेशनलिज्म में विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे मेसी रोनाल्डो बताओ वो वाला सीन पसंद है। जब तुम्हें मेसी रोनाल्डो या टेलर स्विफ्ट का गाने सुनते हो या वन डायरेक्शन BTS ये लोगों के गाने सुनते हो या कोई भी रैपर, बड़े बड़े रैपर आता है, हाँ पता है कि वो लोग आर्मर वाले बिजनेस में है, बट कभी भी लगता है क्या कि लोगों के जब कॉन्सर्ट होगा कोई आर्मी वाला सीन याद आता है? पुलिस याद आता है जरूर, बट आर्मी वाला सीन मैं इंटरनेशनल में मतलब चाहता ही नहीं कि एक आर्मी रहे, ठीक है। एक्चुअली कोई एक मतलब कंट्री है, बट वो दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा रहे क्यों रहे क्यों? मतलब हम लोग सोचो कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ह्यूमन है, वो लोग अपने आपस में कुछ स्वार्थ के लिए झगड़ा बना के रखे है फिर फाइट करेंगे, तो पसंद ही नहीं है मुझे वो, ठीक है। इसलिए मैं आर्मी को सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ सिचुएशन जो है उधर तो आर्मी को नेशनलिज्म के हिसाब से जरूर, जो ध्रुव रेड्डी सर बोल रहे वही है, बट एक्चुअली अगर इंटरनेशनलिज्म आ गए, जब सोचो ना जब फुटबॉल कोपा चल रहा है, यूरो चल रहा है, याद हो रहा है क्या एक एक देश और एक देश से लड़ रहा है, कुछ हो रहा है क्या? सोचो ना कितना कितने मिलाव है, फाइट का कुछ होता है नहीं होता है, मतलब आर्मी वाला सीन, हाँ पुलिस का जरूरत जरूर होता है, ठीक है समझ गए तो अच्छी बात। खराब हवाई जहाज या खराब हेलीकॉप्टर की वजह से हमारे एक भी पायलट की मृत्यु ना हो। अगला प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाना। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बहुत कम बात करी जाती है। 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 सालों में हमारी आर्म फोर्सेज के 819 जवानों ने आत्महत्या करी, जिनमें से 643 केसेस आर्मी के थे, 148 केसेस एयरफोर्स के और 29 केसेस इंडियन नेवी के। पिछले साल भी आर्मी ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसा ही बताया था कि साल 2001 से लेकर अब तक करीबन 2000 से ज्यादा आर्मी सोल्जर्स आत्महत्या कर चुके हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बाप रे होगी इस नंबर को जीरो, ओह माय गॉड। ये किया जाएगा मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को एंगेज करके, मैं 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को हायर करूंगा। आप पूछोगे ये 1800 का एग्जैक्ट नंबर क्यों? इसके पीछे एक सिंपल कारण है, हमारी इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि हर 10,000 से लेकर 20,000 लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्योंकि मिलिट्री सेटिंग और भी ज्यादा इंटेंसिव होती है, अमेरिका में जो यूएस आर्मी है उन्होंने 700:1 की रेशियो मेंटेन कर रखी है। हर 700 सोल्जर्स के लिए एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट उन्होंने रखा है। इसी रेशियो को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे 12 लाख पर्सनल के लिए 1800 मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होंगे। इनमें से कुछ होंगे क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, कुछ बिहेवियरल हेल्थ स्पेशलिस्ट और कुछ लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर्स। ऐसा करके हम ना सिर्फ हजारों सोल्जर्स की जान बचाएंगे और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हौसला बढ़ाएंगे, बल्कि 1800 नई सरकारी नौकरियां भी क्रिएट करेंगे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए। इस ट्रायल रन के सक्सेसफुल होने के बाद हम इसी स्कीम को एक्सटेंड करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर और सभी पुलिस ऑफिसर्स पर पूरे देश भर में, और नौकरियां क्रिएट होंगी और मेंटल हेल्थ। ये जो पुलिस ऑफिसर्स के बात हुआ इधर बहुत चाहिए, मैं पर्सनली पुलिस ऑफिसर्स तो देखे होते हैं रियल लाइफ में, तुम लोग फेस करते होंगे उन लोगों के लाइफ में ना, सच बोल रहा हूँ दैट्स अ टॉयलिंग टास्क। तुम लोग कभी कभी कपिल शर्मा शो में भी देखे होंगे, बोले होंगे ये सब, मतलब ऑडियंस भी बोले होंगे एंड कपिल शर्मा सर की पिताजी भी वो है, तो मतलब वो लोग ना थक जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले पुलिस ऑफिस में गया था, पुलिस थाने में, मोबाइल लॉस्ट के चक्कर में, तो मोबाइल मिल गया बट मतलब देख रहा था वो लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जा रहे थे, ठीक है, और है ही सीन भी वैसा है, मेरे से तो मतलब नहीं है, मैं तो बस सुन रहा था उससे, मैं तो उसमें प्रभावित नहीं हो रहा, बट वो लोग प्रभावित हो रहा है, सब क्रिमिनल से भरा हुआ वैसा ही नेगेटिविटी, तो बहुत ही ज़रूरत है पुलिस के लिए, ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आर्मी का मैं समझ नहीं पाऊंगा,
आर्मी से उतना तो मिलजुल नहीं है, बट पुलिस तो जहाँ खेलने जाते हैं उधर भी है, सामने हेलीपैड है उधर भी है, तो और है पुलिस बहुत है ठीक है, आर्मी पर्सनल है, बट वो लोग के साथ कभी बात नहीं हुआ है, उतना शेयर नहीं करे है ठीक है ठीक है, मतलब एक्चुअल आर्मी पर्सनल से मेरा तो नहीं हुआ है। तो डॉक्टर्स की जरूरत होगी और हाँ उन लोगों के घर वालों से हुआ है, बट समझ जाओ ठीक है, पुलिस लोगों के साथ हुआ है मेरा तो, इसलिए पुलिस के बारे में बता पाया कि हाँ उन लोगों को जरूर 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 जरूरत है इस चीज के ये, लिए मतलब ऐसे साइकियाट्रिस्ट या बात करने वाला जो हर दिन उन लोगों को गाइड करे जब भी जरूरत हो, हर दिन मुझे तो चाहिए हर दिन गाइड करे। ये सप्लाई की कमी नहीं है। बस वो लोग नहीं, मैं उधर जाके देखा एक नॉर्मल बंदा था, वो पुलिस लोगों को हेल्प कर रहा था राइटिंग वाइटिंग में, सो वैसा जो जो मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सैलरी नहीं मिल रहा है, शायद पुलिस लोग मिल के उसको सैलरी कुछ दे रहा है, बट उसको भी चाहिए क्योंकि उसको भी मैं देख रहा था बहुत जल्दी गुस्सा कर रहा था, चाहिए ऐसा साइकियाट्रिस्ट ताकि हेल्प करे हर दिन। जैसा कि आप देख सकते हो किसी भी कॉलेज सीट के लिए कितने लोग एक एग्जाम को लिखते हैं देश में। हमें डिमांड बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन सप्लाई की भी कमी नहीं है, बस कनेक्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी सारा पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री बनते ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स मैं लूंगा एजुकेशन बजट को 3 से 4 गुना बढ़ाना। आप पूछोगे इसका पैसा कहां से आएगा, कुछ पैसा तो आएगा कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर। इस खबर को देखिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे गिरा दिया जिसकी वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कम कमाया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को दोबारा से उसी लेवल पर ले जाए जिस लेवल पर 2017-18 में हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहां पर क्यों पैसा खर्च भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के बट बाइक और स्कूटर को क्यों इसके अंदर नहीं दिया गया, वो भी तो सेम रैश ड्राइविंग हो सकता है, ये थोड़ा सा गलत लगा। मैं तो देख चुका हूँ अभी सभी लोगों के पास बाइक स्कूटी है। हाँ हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में अभी तक नहीं है, सच बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों हमारे घर में पिताजी एसी फ्रिज और ये सब ठीक है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स साइकिल सही है एनवायरनमेंट, मतलब शायद उसमें से जो गैसेस निकलता है वो ठीक है समझ जाओ, वो CFC हो सकता है ठीक है, जो ओजोन O3 लेयर को ख़त्म करेगा ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस है ठीक है, ये सब तो करेगा ही ठीक है, वो सब निकलेगा ही शायद इसके वजह से। और हमारे घर में बहुत पेड़ पौधे हैं, अगर कभी प्रॉपरली ब्लॉक ब्लॉक करूँ ठीक है देख पाओगे, बहुत पेड़ पौधे हैं। आई थिंक पिताजी ने, हाँ और एक बात है साइकिल चलाना वो उनको क्यों पसंद था, मेरे बड़े भैया के अंदर भी वो देखा हूँ मैं वो सीन की, उनको पसंद नहीं है वो, जब भी मैं बोलता हूँ कि गाड़ी खरीद लो नहीं पसंद ठीक है, बस पसंद ही नहीं, चाहिए नहीं तो चाहिए नहीं, जरूरत नहीं ठीक है, सेफ्टी रीजन का उतना बात नहीं करते हैं बट बस नहीं करते हैं अभी अभी। हाँ अभी तुम लोग बोलोगे कि तो क्या आप लोग गाड़ी नहीं चढ़ते हो, चढ़ते हैं बट एसी वाला फ्रिज वाला तो वो देखा ही था ठीक है, गाड़ी का भी शायद वही सीन है, वो तो मैं तो पूछा नहीं था बट एसी और फ्रिज का बात हुआ था कि क्यों क्यों नहीं खरीदते हैं क्यों पैसा खर्च किया जा रहा ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं जब गाड़ी खरीदने का बात करता हूँ तो मुझे डिमोटिवेट किया जाता है, नहीं चाहिए ही नहीं, साइकिल चलाओ शरीर अच्छा रहेगा एनवायरनमेंट का अच्छा रहेगा, ऐसा सीन है है, इससे बेहतर है मतलब जरूरत के जरूरत, हाँ ये भी मैं पॉइंट दे सकता हूँ कि गाड़ी जब चढ़ते हैं जरूरत के हिसाब से चढ़ते हैं, ट्रेन भी चढ़ना पड़ेगा, एरोप्लेन में भी चढ़ के रखा हो सो वो जरूरत के हिसाब से चढ़ना पड़ रहा है कि नहीं, तो जरूरत नहीं है, ये जो मैं बोल रहा था कि बड़े भाई डिमोटिवेट करते हैं जरूरत नहीं है क्यों, खुद भी अभी भी खुद साइकिल चलाते हैं, मैं भी साइकिल दैट्स इट, पैसे को एजुकेशन में पता लगाते नहीं तुम लोग को हंसी आएगा बट सच है
वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ और इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में, जाकर समझ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें जरूरत है शहरों को इंसानों के लिए बनाने की, बाद में देखेंगे। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, हरा भरा भी ज्यादा रहेगा शहर, और गर्मी का इफेक्ट भी कम होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जिसकी बात मैंने हीट वेव वाले वीडियो में करी थी। बाकी पैसे की बचत होगी करप्शन खत्म करके, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी करप्शन 1% भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही कारण है जिसकी वजह से इलीगल होर्डिंग्स खड़ी होती है और जब वो गिरती है तो लोग मारे जाते। मैं आज ही जब स्ट्रीम कर रहा था, मैं एक बात बोल रहा था, अगर मैं एक टाइम में सोचता था कि अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा पावर तुम चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, ऐसा एक पावर जिससे मतलब जो तुम यूटिलाइज करना चाहोगे सभी के अंदर, मतलब बस करना चाहोगे, तो कैरी भाई ने बोला था कि इंडिया से सारे वो केसेस, RAPE केसेस वो बंद करेंगे, ऐसा कुछ बोले थे। तो ऐसा सुना था, मैं तब सोचा था ना एक ही चीज़ करेंगे, वो है सभी लोग बस सच बोलेंगे, सभी लोग सच बोलेंगे, झूठ का कोई सीन ही नहीं है। अगर लोग सच बोलेंगे, लोग चोरी करने के बाद भी झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, जो जो बोला है पूरा परफेक्ट बता देंगे कि ये मैं किया। कोई अगर बदमाशी कर रहा है वो बता देगा ये मैं किया, समझ रहे हो, ये मैं किया, ऐसा ही बता देंगे, है कि नहीं। तो वो काम, फालतू काम करने से पहले ही वो सोचेगा कि ऐसा सीन है, अगर मैं बुरा काम करूंगी भी तो मतलब मैं बोलना होगा मुझे, ठीक है, मेरे मुंह से निकल जाएगा, ऐसा सीन है। और एक सोचा था कि इससे भी अच्छा अगर कुछ है तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा सुनेंगे, ठीक है, ये सभी के अंदर ये पावर ही बस दूंगा पूरा करने का, मतलब वो देंगे ही नहीं, वो पावर पूरा इराडिकेट कर देंगे, ठीक है, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, अच्छा चेष्टा दिखाएंगे, अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा, बट ठीक है, ऐसा ऐसे चलो, अगर कोई एक पावर दे दिया जाए तो। आज मैं स्ट्रीम में ही बोल रहा था कि सभी लोग सच बोलेंगे बस, एक तो सही। बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ये तो कौन सा झूला है, करप्शन ही कारण है जिसकी वजह से खराब दवाई फॉलो करे ब्रिजेस बनाए जाते More हैं bridge. मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए जाते हैं क्योंकि फूड सेफ्टी वाला वहां पर रिश्वत खाता है। करप्शन के पीछे तीन मेन रीजंस हैं। पहला कारण है टॉप डाउन अप्रोच, की सबसे बड़ा रीजन है करप्शन के पीछे। किसी भी पुलिस वाले को जब आप रिश्वत देते हो, सरकारी अफसर को रिश्वत देते हो, कभी उनसे पूछकर देखो कि वो क्यों रिश्वत मांग रहे हैं, तो उनका जवाब आएगा कि उन्हें ऊपर कुछ पैसा देना होता है। हाँ, ये तो मैं सुना हूँ, और इसलिए करते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी फालतूगिरी करते हैं, और उन लोगों से थाने में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा का पैसा हम लोगों का टैक्स नहीं जाता है, पता नहीं, ऊपर भी कुछ कट देना होता है, और वो ऊपर वाले अफसर से जाकर अगर आप कभी पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे और ऊपर कट देना होता है। यहाँ पर एक पूरी चेन फॉलो होती है करप्शन की, एक ऐसी चेन जो पहुंच जा, इससे अच्छा टैक्स से अच्छा खासा अर्निंग करना, जो एक लाख कर कॉर्पोरेट बिजनेस से आएगा वो सही है, आती है सीधा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक, यानी किसी भी देश में करप्शन की असली रूट उस देश के पीएम या स्टेट के सीएम होते हैं। इस चेन को अगर तोड़ना है तो वो ऊपर से ही तोड़ा जा सकता है, जब ऊपर बैठे लोग अच्छा होंगे, दैट्स इट, नियत साफ हो, वही तो, वही एक पावर चाहिए जो सच बोलेगा, सच बोलने वाला पावर, दैट्स इट, बंदे का काम तमाम। दूसरा कारण है करप्शन के पीछे पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सरकारी एम्प्लॉयज का ओवरवर्क्ड होना और अंडर पेड होना। इस पर आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन कि कैसे हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स ओवरवर्क्ड हैं, 12-12 घंटे काम कराया जाता है उनसे और पेमेंट ढंग से नहीं मिलती, कई रिपोर्ट पर 12-12 14-14 हम तो 24 आवर्स भी लाइव स्ट्रीम करके रखे हैं, अंडर पेड ही है हम भी। सामने आई है जो बताती है यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, हाँ खुद का काम करते हैं घर में, ढेर सारी स्टेट्स में पुलिस बहुत अंडरस्टाफ्ड है और ओवरबर्डन है। सॉल्यूशन सिंपल है इसका, पुलिस की संख्या डबल कर दो। कोर्ट्स और जजेस की बात करें तो वहां भी यही हाल है, ओवरबर्डन है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर तो अपनी स्पीच में इस ओवरबर्डन की बात करते हुए रो भी पड़े थे एक बार। स्पीचेस हैव बीन मेड इन द पास्ट इन कॉन्फ्रेंसेस इन सेमिनार्स डिबेट्स इन द पार्लियामेंट, बट आई थिंक नथिंग रियली
appears to be moving. यहाँ भी वही सोल्यूशन है कि जजेस और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए. तीसरा कारण करप्शन के पीछे किसी इंसान का लालची होना, और ये एक्चुअली में सबसे छोटा कारण है मेरी राय. अगर पहले दो कारणों का सोल्यूशन निकाल दिया तो ये तीसरा कारण सॉल्व करना बड़ा आसान है. स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट ताकि कोई भी ऐसा करने की ना सोचे. पुलिस की बात करें तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है. जब कोई केस मीडिया स्पॉटलाइट में आ जाता है उस पर काफी आउटरेज होती है, तो सबकी एक ही डिमांड होती है हमेशा कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि एक परसेप्शन लोगों की ये बन गई है कि स्टेट पुलिस किसी भी कुछ नहीं करता, इंपॉर्टेंट केस में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता. जरा सोचकर देखो, किसी केस को अगर मीडिया स्पॉटलाइट नहीं मिली जिसे सीबीआई में ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्या उसमें बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है क्या? उन केसेस का क्या? इसलिए जरूरी है कि हर एक स्टेट में सीबीआई टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्वेस्टिगेशन कि उसी हिसाब से ट्रेनिंग करी जाए. स्टेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जाएगी. वाओ, दैट्स अ नाइस प्लान. ये मैं सोचा नहीं था कि इसमें पैसा रहेगा, इसलिए सोचा नहीं था. और बहुत ट्रेनिंग रहेगा. हाँ, इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसी ब्रांच से होगा. अब सोचकर देखो दोस्तों, ये सारे सही कदम उठाने से देश में क्या क्या सही हो जाएगा. देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा मेंटल हेल्थ केयर मिलेगा, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट्स भी मिलेंगे. सबके लिए स्ट्रिक्टली 8 घंटे की लिमिट सेट करी जाएगी. कोई भी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता. ज्यादा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट पुलिस फोर्स होगी. वैकेंसी सारी फिल करी जाएंगी. करप्शन खत्म हो जाएगा. ईमानदारी से काम होगा. इसकी वजह से हर एक देशवासी के मन में पुलिस के प्रति सम्मान होगा, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, और पुलिस वाले भी हर एक नागरिक से सर या मैम करके बात करेंगे. कहा जाएगा चाहे वो कितने भी अमीर या कितने भी. अभी ये तो सही है. अभी के बात अगर बोले, अगर दो रास्ता दिखे ना, एक में पुलिस है दूसरे में पुलिस नहीं है, अगर तुम जा रहे हो विथ हेलमेट वेलमेट सब कुछ, या तुम चल के ही जा रहे हो, तुम वो पुलिस वाला रास्ता छोड़ के दूसरा वाला रास्ता अभी पकड़ते हो, ठीक है, पकड़ते हो, मतलब उन लोगों को. हम लोग अभी ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा सोच आ गया है कि मेरे ऐसा कभी सिचुएशन आया नहीं है, बट कैसा कैसा लगता है, ठीक है, पुलिस के साइड से जाना या वो करना कि पकड़ेंगे, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी रीज़न लग जाता है कि ऐसा होगा तो नहीं ना, पुलिस कुछ बोलेंगे तो नहीं ना ऐसा. बट ये जो है, हाई सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, ओ माय गॉड, सोच के देखो पुलिस तब क्या होगा, किस लेवल का दर्जा मिलेगा, किस लेवल का रेस्पेक्ट मिलेगा, कि जिस रास्ते में अभी तो जाता है कि जिस रास्ते में पुलिस नहीं है उस रास्ते से चलो, चल के भी जा रहे तो उस टाइम होगा चलो इस रास्ते में तो पुलिस है, इस रास्ते से ही जाएंगे. ओह माय गॉड, मतलब वो पुलिस विल बी आवर टोटल फ्रेंड, और जो होना चाहिए. हाँ हाँ, अगर सोच के देखो ना, इतना मेंटल टॉर्चर, इतना मेंटल टॉयलिंग, हर दिन ओवर बर्डेंड, सो कैसा मेंटालिटी रहेगा लोगों के साथ, और सभी को वो लोग क्रिमिनल. मतलब मैं जाके एक दिन देखा ना थाने में कि क्या क्या होता है, 2 घंटा रहा उसमें ही, वो लोग ये गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, एक पुलिस हो. हाँ, आर्मी लोग बहुत चुपचाप थे, आर्मी लोग भाई बहुत साइलेंट टोटली. हाँ, पर पुलिस लोगों के अंदर तो भड़काओ, मतलब भड़क रहे थे बहुत ज्यादा. पुलिस के सिस्टम में ही ऐसा रूल बना दिया गया कि हर एक पुलिस ऑफिसर किसी भी सिटीजन से बात करते वक्त उन्हें सर या मैम करके एड्रेस करेगा. वाओ, माइंडसेट में वाओ 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 वाओ, अमेजिंग ध्रुव भाई, अमेजिंग. इन जाने लगेगा, अमेजिंग. सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स की बात करें तो वहां पर भी पुलिस अगर बोलने लगेंगे सर मैम, ओ मैन, दैट विल बी, ओ मैन, अमेजिंग. वो लोग बोलेंगे तो भाई बच्चे बच्चे लोग सीखेंगे, ठीक है, बच्चे बच्चे लोग सीखेंगे व्हाट इज वैल्यूज एंड एथिक्स. वैल्यूज एंड एथिक्स का जरूरत क्यों है? क्योंकि वो अच्छा है, उससे दुनिया बदलेगा. भी लोगों के माइंडसेट और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेन रूट कॉज. कुछ लोगों का माइंडसेट जो एक औरत को इनफीरियर सब ह्यूमन मानता है, औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है. इसकी बात मैंने कई वीडियोस में करी है, जैसे कि एनिमल वाला वीडियो. अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एनिमल जैसी फिल्में या हनी सिंह और बादशाह टाइप के गंदे गानों पर बैन लगा दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में. लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंगर्स और बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो अपनी फिल्मों से और गानों से मिसोजिनी को हटाएं, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन को हटाएं, और मैं खुद से अच्छे कंटेंट को प्रमोट करूंगा. ये माइंडसेट बदलने का एक और तरीका होगा स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना. बचपन से ही बच्चों को सही माइंडसेट सिखाया जाए, जिससे ये चाहिए कि, मतलब समझ जाओ ना, आज डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट क्या हुआ, ठीक है, लोगों के अंदर उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है. सच बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी नहीं है. हाँ, वो चाहिए, वो हार्मोनल काम के लिए चाहिए, ठीक है, होता है, होता है. मेरे मम्मी जी भी बोलती है कि
तो होता है लड़का लड़की के अंदर, ये तो मतलब होता है, ये कोई बुरा चीज़ नहीं है, बट उसके अंदर भी लिमिटेशंस जो है ना वो हम लोगों को सीखना होगा। ठीक है, हम लोग कहाँ से सीखते हैं, मतलब कहाँ कहीं से सीखते नहीं है, कोई सिखाते भी नहीं है, घर में अगर बात हो तो सीखते हैं, नहीं तो कहाँ से, दोस्तों से सीख रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं कि नहीं, कि हाँ हाउ टू बिहेव एक्चुअली, ऐसा है कि नहीं। मैं तो भाई पूरे टोटली बॉय स्कूल, और कॉलेज में मैं लड़कों से बात भी नहीं करता था, ऐसा है, बात ना करना अलग बात है, बट जब बात करने जाएंगे तब तो गलती हो जाएगा, समझ रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। कि जब वो बड़े हों तो समाज में अपने आप की आज आज ही सर्च कर लेना डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट का क्या सीन हुआ है, बहुत ही, नहीं तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा नियॉन मैन का वीडियो, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करके, हुआ है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सही मानसिकता फैले। वेपन्स लॉबी वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया जैसे देशों ने सारे यूट्यूबर्स उनके मतलब उन पे गुस्सा हो गया है। अपने देश में मौजूद डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट इज अ बहुत बड़े स्ट्रीमर, बहुत बड़े, एकदम सोच के रखो कि स्ट्रीमर के दुनिया के सभी लोग जानते हैं। इलीगल हथियारों को खत्म कर दिया एक एमनेस्टी पीरियड जारी करके। उन्होंने अपने देशवासियों से देश में मौजूद इलीगल हथियारों को खत्म कर दिया एक एमनेस्टी पीरियड जारी करके। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि जिसके पास जितने भी इलीगल हथियार हैं हमें आकर सौंप दो सरकार के पास, और अगर आप इस टाइम पीरियड में हमें दोगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा इलीगल वेपन्स इकट्ठे हो गए थे सर्बिया में। ओ मैन, ऐसा ही कुछ मैं करूंगा इंडिया में इलीगल ये चाहिए 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 चाहिए, ये तो भाई बहुत प्रॉब्लम होता है। को खत्म करने के लिए इन सारे प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव सॉल्यूशंस। ये वेस्ट बंगाल में इतना ना हो, बट यूपी, समझ जाओ ना वो लोग उसको क्या बोलता है, ये चीज को वो लोग क्या बोलता रहता है, वो सिस्टम, इसको ही वो लोग सिस्टम बोलता है, ठीक है, ये चीज को ही, बट ये तो सोच के रखो ना, गलत है तो गलत है। को इंप्लीमेंट करके हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो ना सिर्फ हर इंडियन के लिए सेफ और सिक्योर हो बल्कि हर फॉरेनर के लिए भी। आपको ये सॉल्यूशन शायद इम्प्रैक्टिकल लग रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो पहले कहीं इंप्लीमेंट ना किया गया। सिंगापुर वाले अच्छा वीडियो मैंने बताया था कि कैसे 1960s में सिंगापुर का बुरा हाल था, पॉवर्टी वहां हर जगह देखने को मिलती थी, एथनिक क्लैशेस देखने को मिलते थे, लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की इस लिस्ट को देखो, सिंगापुर नंबर 5 पर है। अगर सिंगापुर यहां तक उठकर आ सकता है तो हम इंडिया को वाओ भी नंबर 1 ले जा सकते हैं रैंक में, एकदम वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल एंड प्रॉस्परस कंट्री हमारा देश, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैसा लगा मेरा सपना दोस्तों? ये बढ़िया। मैं सारे इश्यूज की बात करना पॉसिबल नहीं है हाँ, मैं समझ गया, और भी बहुत इश्यूज है, मैंने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फोकस, ओनली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप, मैं सोच रहा था इधर से थोड़ा सा सेगमेंट होगा उसका, इधर से और एक, इधर से और एक, इधर से और एक, ऐसा कुछ 24 मिनट का, बट इधर टोटली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हुआ। प्राइम मिनिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताओ पर फोकस की। लेकिन अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ध्रुव, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, वेल्थ इनइक्वालिटी, लोनलीनेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज को टैकल करते हैं, इस पर पूरी लोनलीनेस से ही और वीडियोस देखना चाहोगे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, वेल्थ इनइक्वालिटी, लोनलीनेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज को टैकल करते हो, इस पर पूरी एक सीरीज बनाई जा सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, और अभी के लिए टाइम जरूर जरूर बनाइए। जरूर बनाइए बाकी प्रॉब्लम्स पर। शायद मैं ये सब सोच के भी रखा हूँ, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर बनने का वो है, ये है शायद, ठीक है, कि मैं भी अलग अलग टाइम पे ये सब सोच के रखा हूँ, बट कुछ कुछ तो नया चीज़ें दिमाग के अंदर घुसा, गुड। क्या हो रहा है ये, मैं ट्राई नॉट टू लाफ वीडियो बनाता हूँ ना, उसके लिए इधर वो है, एक प्लास्टिक का पन्नी लगा कर रखा हूँ इसके लिए। ये कौन है, इट्स गाली बॉय, कबूतर वाला वीडियो बनाता है। अच्छा नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं, कूपन कोड है PM, ठीक है, चलो।
बाय बाय, पीस एंड बाय बाय, जय हिंद जय भारत।